हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेलेक्शन डेस्क ए पाथ टू सक्सेस। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्शन डेस्क में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर लें तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई भी इस तरह की अपडेट आती तो आपको सबसे पहले मिले। और सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको कंटिन्यू, चाहे वो टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपके, वो आपको मिलते रहेंगे। और नॉन टेक की भी हम धीरे धीरे वो अपडेट लाने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है, ये नॉन टेक एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। तो अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को भले ही मतलब छोड़ सकते हो, बाकी अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हो। तो स्पेशली नॉन टेक एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है, जो कि हमारा राजस्थान का एग्ज़ाम है वीडियो, उसके रिकॉर्ड्स। क्योंकि उसमें क्या काफ़ी सारे मुझे कमेंट आए कि सर क्या करें, क्या नहीं करें, क्या करना है, किस तरह पढ़ना है लास्ट टाइम। क्योंकि ऑलरेडी जेई के एग्ज़ाम के बाद आपके पास मुश्किल से आप मान सकते हो 15 दिन मिले से, जिसमें से अभी 4-5 दिन और वेस्ट हो गए इधर उधर, तो उसके रिगार्ड है। तो सीधे चलते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, आपको पता है इसमें जो प्री रहने वाला है एग्ज़ाम वीडियो का, तो प्री में आपको पता है इसमें जैसे क्लियर इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी भी नोटिफिकेशन का नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने परसेंट लेंगे, पर आप एन आइडिया ले सकते हो कि कम से कम इनको 15 गुने पास करने ही पड़ेंगे। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि पटवारी में भी नेगेटिव मार्किंग हुई है, तो उसी के रेस्पेक्ट इसका रहने वाला है। अब इन्होंने क्या मैथ के बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने क्लियर नहीं किए, रीजनिंग के नहीं किए, और भी सारी चीज़ें। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, पटवार के इक्वल ही आप वो सारे सब्जेक्ट लेके चल सकते हो या जो टॉपिक लेके सकते हो, बस कुछ मैथ में एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जैसे टाइम एंड वर्क का एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसके अलावा स्पीड एंड डिस्टेंस वाला आप कर सकते हो। ये 2-3 टॉपिक हैं जो थोड़े ज़्यादा फेमस हैं, इनको आप पढ़ लीजिए बजाय और चीज़ों के। अब बात आती है सब्जेक्ट की, जैसे क्या क्या, जैसे हिंदी इंग्लिश, आप देखिए जैसे आपके पास टाइम है, ठीक है आप पढ़ लो, वैसे टाइम अब आपको पता है इतना बचा भी नहीं है, तो हिंदी इंग्लिश आप ना ही पढ़ें तो बेटर है। क्योंकि अब जैसे हिंदी में भी अगर आपको पढ़नी हो तो एक बार आप पर्यायवाची देख लीजिए, उसके अलावा आपके संधि विच्छेद हो गए, समास हो गए, इस टाइप के। बाकी जो हिंदी आएगी आप मतलब आपने जेई वाले एग्जाम में भी दिया होगा तो, या और भी एग्जाम दिए होंगे पटवारी का, तो आपने देखा होगा हिंदी इंग्लिश आपको जो नहीं आता ना, वो आप पढ़ भी लो तो भी नहीं आना। सोनोमन सेंटोमिनस आप पढ़ लो, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो। इसका एक सोल्यूशन जरूर हो सकता है कि RMSS भी या RPSC की तरफ से जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारी आप प्रैक्टिस कीजिए, वो सारे आप वीडियोज़ देखिए। ऑलरेडी मैंने आपको चैनल बता रखा है, उस चैनल पर आपको राजस्थान GK आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट, उसके अलावा आपको साइंस का बोलूं या किसी भी सब्जेक्ट का बोलूं, तो वो सारे आपको प्रीवियस ईयर के जितने ही पेपर आए वो मिलेंगे। और यकीन मानिए RMSS भी 80-85% प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पिकअप करता है, ये रियलिटी है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। अगर आप चाहते हो, जैसे आपने पढ़ तो लगभग सब लिया है, अब आप चाहते हो कैसे करूँ क्वेश्चन, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी यही है, क्योंकि अब आप पढ़ भी लोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, और प्री है तो इनको ऑलरेडी इतना पास करनी पड़ेंगे स्टूडेंट। तो ये उन लोगों को छटनी करेगा जिनको समझ रहे हो ना कि बस फॉर्म भर देते हैं यार, देखा जाएगा, बाकी पढ़े वो उस ज़माने में और फॉर्म यहाँ भर दिया, तो वो लोगों की छटनी हो जाएगी। और मेंस का आपको पता है फरवरी में भी एग्ज़ाम है, तो थोड़ा आपको फ़ायदा भी मिलेगा उस चीज़ का। तो एक ही ऑप्शन है, आप प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसी में से ही पूछता है। अब बात आती है कट ऑफ की, सर कितना स्कोर। तो देखिए, प्री के अगर मैं बोलूँ ना, जनरल के लिए, जनरल आपके मतलब 50-55% आ गए अगर आपके जनरल के लिए, तो आप मतलब 100% मैं बोल सकता हूँ कि आप सेफ ही मान जाओ, क्योंकि इनको 15-20 गुने बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको पता होगा। और ऊपर से नेगेटिव, अगर नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी तो 50% तो आप मान लीजिए हाईएस्ट टाइप का लेके चला जाएगा, मतलब 65 मार्क्स तो आपके हाईएस्ट आएंगे। तो अगर नेगेटिव मार्किंग कर दी तो आप मान के चलिए 45 भी सेफ है, अगर आपके 45 पर, यानी कि जो मिनिमम है ना परसेंटेज पासिंग के लिए, उतने पे भी आप सेफ माने जाओगे अगर नेगेटिव मार्किंग कर दी, आपको ये चीज़ पता होता है। अब जैसे आपने, जैसे अगर नहीं पढ़ा अभी तक कुछ, तो देखिए करंट अफेयर्स पर ज़्यादा मत जाना, क्योंकि उसके 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे। सबसे ज़्यादा आपको फोकस रखना है, वो रखना है आपकी पॉलिटी पे, पॉलिटी के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़िए। जैसे कि उसमें भी जैसे बहुत सारे आपके डिपार्टमेंट है, राजस्थान मानवाधिकार हो गया, उसके अलावा आपका निर्वाचन बोर्ड हो गया, उसके अलावा आप बोल सकते हो हाईकोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुख्यमंत्री हो गए, पहला कौन था, आखिरी कौन था, ये आपको चीज़ें सबकी आनी चाहिए। जितने भी आपके जितने भी बोर्ड हो गए, RPSC हो गया, सारे बोर्डों का फर्स्ट और लास्ट ये आपको आना ही चाहिए, और किस मतलब संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में वो चीज़ मेंशन की गई है, वो भी आपको आनी चाहिए। आपने देखा होगा यही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आजकल, ये आपको करनी पड़ेगी। उसके अलावा उसका क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितने से कितने वर्ष तक वो वैलिड है, ये कौन कौन उसमें शामिल हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब भाई इतना सारा चीज़ पढ़ें कैसे, तो वही सबसे बेस्ट, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं, आप निकालिए पॉलिटी,
चैनल का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता देखा है, अगर आपको नहीं है पता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, वहाँ मैं डाल सकता हूँ चैनल का नाम, क्योंकि फिर वही दिक्कत समझ सकते हो वीडियो ब्लॉग की, तो वो मैं आपको बता दूँ। ऑलरेडी 1.5 घंटे का एक वीडियो है राजस्थान पॉलिटिक्स का, जिसमें उन्होंने पूरे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो हेल्पफुल रहने वाला है। रीजनिंग के देखिए, नॉर्मल रीजनिंग आप कर दोगे एक बार के लिए, फिर भी आप इनपुट आउटपुट देख ही लेना, बाकी सियोरिटी नहीं है आए नहीं आए, क्योंकि जहाँ तक जैसे उन्होंने डाला है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ये आप जब नोटिफिकेशन निकालोगे वीडियो का तो उसमें दे रखा है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, एक मतलब इक्वल कैरी मार्क्स का होगा, तो लगभग मतलब 100 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो उसके रेस्पेक्ट तो ये ओवरऑल वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपने अभी भी आपको टाइम को और बूस्ट करना है, और मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाइपर होने की टेंशन, जब वो तो अलग चीज़ है, यूट्यूब वाले मतलब समझ लो ना, अभी ये 100 वाले पेपर को ये 75 का टॉप भी बता देंगे कुछ लोग, तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को रियलिटी पता है क्या होता है क्या नहीं होता। रेलवे में CVT1 अभी जो वापस आ रहा है, उससे पहले उनकी 75 थी, अब वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं यार 45 पे हो जाएगा, समझ रहे हो ना, उनका अब धंधा वापस CVT2 का चलाना है ना, तो अब वो चीज़ मान सकती है। आप अगर नेगेटिव मार्किंग ही तो आप मान लिए 50 बहुत अच्छा स्कोर है, अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए, बाकी आपको यकीन मानिए 45 50 के समथिंग जाएगी जनरल की कट ऑफ, जनरल मेल की कट ऑफ, बाकी फीमेल वीमेल वो सब फिर आप, अब ये मत करो ना कि सर यूडोल उसकी कितनी जाएगी OBC की, वही भाई 5 से 10 मार्क्स कम लेके चलिए। तो वो वाला वीडियो था, मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करती हूँ आप लोगों का, ये शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, और भी अगर कोई आपके डाउट ऑन इस एग्ज़ाम को लेके वीडियो को लेके, क्योंकि JEE का आप मान के चलिए जो फर्जीवाड़ा या जो भी लफड़ा हुआ है या जो भी घफला हुआ है या जो भी चीज़ें हुई उसको आप छोड़िए, अगर आपका नेक्स्ट टारगेट आपका वीडियो होना चाहिए, हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं, उसके अलावा आपका NTPC है, उसके अलावा राजस्थान में हाईकोर्ट LDC वाला होगा, उसके अलावा वन रक्षक वनपाल वाला एक एग्ज़ाम है, तो ओवरऑल अब ये सारे एग्ज़ाम आपके नॉन टेक ही चलने वाले हैं, उसके अलावा जैसे RRB JEE का मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, वो भी प्री आपका नॉन टेक ही होगा, तो मैं ऐसा करूँगा एक नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि आपके जैसे SSC JEE नेक्स्ट आने वाला है उसका RRB JEE का क्या सिस्टम रहना है, SSE में क्या रहेगा, कौन एग्जाम लेगा, किस टाइप का पैटर्न रहेगा, अगर आप इससे रिगार्ड वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं कल एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊँगा जिससे आप लोगों की मेंटेबिलिटी सेट हो जाए कि हमें अब आगे क्या करना है टेक्निकल के लिए। तो ये चलो एक ओवरऑल वीडियो था, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिलेगा, और जल्दी मिलते हैं अगर आप चाहते हो उस टाइप के टेक्निकल स्टूडेंट के लिए, फिर बोल रहा हूँ अगर आप चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि भाई क्या पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम रहेगा, क्या कौन एग्जाम लेगा, एजेंसी सब चीज़ें आप जानना है, तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करती हूँ, पर्सनली कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो को, तो मैं उसके रिगार्ड से एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।